छठ पूजा 2022। आई नो आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि छठ पूजा कौन सा फेस्टिवल होता है, किन का फेस्टिवल होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर से जान जाएंगे। सो छठ पूजा की शुरुआत होती है छठ पूजा के 3 दिन पहले से। बिकॉज मैं रहता हूँ लखनऊ में और मुझे जाना है अपने गाँव मऊ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में जो की है सुल्तानीपुर। सो लखनऊ से सुल्तानीपुर की दूरी है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास, जिसको हम लोग एसी बस से कंप्लीट करने वाले हैं लगभग 5 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सो मैंने बस में बोर्ड किया लगभग 12 बजे के आसपास और मुझे 5 घंटे बाद उसने आजमगढ़ पहुंचा दिया। और आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा खासा उजाला है और मैंने ई रिक्शा कर लिया, लेकिन आजमगढ़ से मेरे गाँव पहुंचते पहुंचते हो चुका था पूरा अंधेरा, आप लोग देख सकते हैं, और मैं काफी ज्यादा थक चुका था इसलिए मैं घर पहुंचते ही सो गया। अगले दिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मॉर्निंग में अपने दोस्त से मिलने गया और मैंने पूरे दिन आराम किया। लेकिन रात में मम्मी और मौसी जी लगवा रही थी अपने हाथों पे मेहंदी, जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। सो मेहंदी लगवाने के बाद सभी लोग जल्दी सो चुके थे क्योंकि अगले दिन है महापर्व। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा। सो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। सो छठ पूजा के दिन की शुरुआत होती है फल वगैरह खरीदने से। मैं और मेरे पापा सुबह 7 बजे ही चले गए फल वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि बाद में काफी ज्यादा भीड़ होने वाली थी मार्केट में, जो कि हमें पता है। छठ पूजा में काफी अलग अलग टाइप का प्रसाद चढ़ता है, जिनमें से है नारियल, केला और अलग अलग टाइप्स के फल फ्रूट, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और छठ पूजा में फल के साथ साथ सब्जियां भी चढ़ती हैं और ये छठ पूजा का स्पेशल मिक्सचर कैसे हम बोल सकते हैं, जिसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि छठ पूजा के लिए यूज होती हैं। और इन आंटी जी के यहाँ से हम लोग सिंगाड़ा और मूंगफली ले रहे हैं और साथ में इन दादी जी के यहाँ से हम लोग फूलमाला ले रहे हैं। और छठ पूजा का सबसे मेन आइटम जो कि मुझे लगता है वो है गन्ने, शुगर केन, जो भी आप कह लीजिए। सो सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुंचे घर, और घर पे क्या बन रहा था आपको पता है? ठेकुआ, खस्ता। बाय गॉड कितना ज्यादा टेस्टी होता है ये। और यहाँ पे ठेकुआ बनाने के साथ साथ और भी काफी ज्यादा तैयारी चल रही थी, जैसे चावल में कलर करना, कलश तैयार करना जो कि मम्मी कर रही थी। ये सब तैयारी करते करते हो चुका था घाट पे जाने का टाइम और मम्मी और मासी तैयार है अपना अपना कलश लेके। बट मौसी जी तो ऐसे नॉर्मल चल के जा रही थी, लेकिन मम्मी जी ऐसे लेट लेट के जा रही थी। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन क्यों ऐसे लेट के क्यों जा रही हैं? तो इसे परिक्रमा कहते हैं। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब कोई इंसान छठ पूजा से मन्नत मांगता है और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो ऐसे परिक्रमा करते हुए घाट तक जाता है, जो कि काफी ज्यादा टफ होता है। और सभी लोग फाइनली घाट पे पहुंच चुके थे और मम्मी और मासी जी अपनी अपनी बेदी को सजा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मिट्टी का बनाया जाता है इसको हम लोग बेदी कहते हैं हमारे इधर। छठ पूजा में जिनकी पूजा की जाती है वो है सूर्य भगवान जी। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने अपना दर्शन दे रखा है यहाँ पे पहले से। और छठ पूजा की बेदी सजाने के बाद मम्मी मौसी को सिंदूर पहना रही है, जो कि नाक से लेके पूरा फोरहेड तक पहनाया जाता है। और फाइनली सभी लोग पानी के अंदर आ चुके हैं अपनी अपनी सुपेली लेके, और अब ये लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक सनसेट नहीं हो जाता। काफी ज्यादा टफ होती है ये पूजा। हैट्स ऑफ है मम्मी मौसी सभी लोगों को जो लोग इस पूजा को करते हैं। और सच में ये पूजा काफी ज्यादा इमोशनल होती है। अगर आप लोग कभी भी छठ पूजा में जाने का मौका मिले तो एक बार जरूर से जाइएगा, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा सच में। और यहाँ पे सनसेट हो चुका है और सभी लोग सूर्य भगवान को नमन करके अपने अपने घर को जा रहे हैं। और फिर से लोग सूर्य उगने से पहले मॉर्निंग में घाट पे आ जाएंगे और सूर्य भगवान का उगने का वेट करेंगे। सो हम लोग घर पे गए और सो गए। आप लोग देख सकते हैं कितने ही अलग तरीके से इसने मुझे पकड़ के सोया है। और फाइनली मॉर्निंग के 3 बजे हम लोग पहुंच चुके थे घाट पे, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे फिर से वही अपनी बेदी की सफाई किया और मम्मी ने और मौसी ने उसको सजाया और फाइनली पानी के अंदर जाके फिर से खड़े हो गए। जब तक सूर्य भगवान जी उग नहीं जाते तब तक ये लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे और सच्चे मन से सूर्य भगवान की पूजा करेंगे।
और जब सूर्य भगवान ने अपना दर्शन दे दिया तब सभी लोगों ने उनको नमन किया और अर्घ दिया। सोया अर्घ देने के बाद हमारी पूजा समाप्त होती है और सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और रास्ते में काफ़ी बार डांस भी होता है जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैं घर पर जाते ही सो गया। सो ये ऐसा कुछ होती है हमारे यहाँ की छठ पूजा। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो बिहार में छठ पूजा होती है वो एकदम ओजी छठ पूजा होती है, वहाँ पे आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक छठ पूजा देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बिहार की छठ पूजा भी दिखाऊंगा। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी गई है जहाँ पे आपको छठ पूजा के बारे में ए टू जेड नॉलेज मिलेगी। सो आप लोग उस वीडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज ही मिलेगी। सो या जो भी मेरे घर पे हुआ मैंने आप लोगों को दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक शेयर भी करेंगे तो काफी होगा मेरे लिए। मिलते हैं आपसे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।